sources and types of individual differences individual differences everybody is different from one another they have differences of uh, intelligence they have difference of uh, aptitude attitudes they have difference of mental abilities they have difference of physical abilities they have difference of social abilities and uh, they have uh, difference of liking disliking and uh, interest activities everything a person can be different from द अदर पर्सन दैट इज़ नेचुरल दैट इज़ नॉर्मल सो पहली तो डिफरेंसेस जो है वो ये है कि हर बंदा दूसरे से मुख्तफ है रंग नस्ल, शकल आ, अकल और इंटेलिजेंस और अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के लिहाज से तो अब ये सोर्सेस क्या हैं इस सारे डिफरेंसेस के इन्वायरमेंटल uh, सोर्स जो हैं दे आर कंसिस्टिंग फ़िज़िकल इंटलेक्चुअल सोशल मॉरल पोलिटिकल इकनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेज अब आ, फिजिकल रिसोर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएँ वो सोशो इकनॉमिक स्टेटस की वजह से अगर फ़िज़िकल रिसोर्स से एक बच्चा जो है उसको डिफरेंट प्रोविजन होती है सोशो इकनॉमिक स्टेटस भी क्रिएट करता है डिफरेंसेस तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते आपके लिए बहुत अच्छे रिसोर्स फ़िज़िकल रिसोर्स में आपकी जो फैसिलिटेशन होती है घर के अंदर मुखलिफ़ किस्म की जो है अच्छा कमरा अच्छा सामान अच्छे फूड अच्छी सारी चीज़ें जिससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो सेटिसफेक्शन uh, हासिल करती है अगर वो आपको नहीं मिलते तो उन फिज़िकल रिसोर्स की कमी की वजह से आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह आते हैं क्योंकि आप एक पर्सन जो है वो एंजॉय कर रहा है पूरा उसके पास पूरी फैसिलिटेशंस हैं और वो गाड़ी पे आ रहा है उसको कोई uh, मसला नहीं है ट्रैवलिंग का जबकि आपको स्कूल पहुंचने के लिए जो है वो इतना टाइम भी लगता है दूसरा आपके पास सोर्स नहीं है जिससे आपकी थिंकिंग जो है उसमें चेंज आता है कि ही इज़ इंजॉइंग और शी इज़ इंजॉइंग बट आई एम नॉट इन्इंग वाई आई एम नॉट इन्जॉइंग इज़ दिस जस्टिस ऑफ गॉड तो ये वाली चीज़ें जो है वो आपकी हो सकता है सेल्फ़ इस्टीम को डाउन कर दें आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर दें आपकी जो सीखने की सलाहियत है उसको डाउन कर दें फिर इसी तरह से आपकी जो मॉरल uh, एटीट्यूड है कि जी सारे एथिक्स मेरे लिए ही रह गए हैं एक तो हमारे पास अफोर्डिंग हमारी पावर भी नहीं है हमें अच्छा खाने को भी नहीं मिल रहा अच्छा पहनने को भी नहीं मिल रहा ऊपर से ईमानदारी भी हम ही दिखाएं तो ये जो सारे इन्जॉय कर रहे हैं इतनी सारी फैसिलिटीज़ को तो ये इनको ईमानदारी दिखानी चाहिए मतलब ऐसी सोच भी आपको चेंज कर सकती है एक घर के अंदर तीन या चार लोग अगर रहते हैं तो उनमें से एक बच्चा ज़्यादा सेंसिटिव है तो ड्यू टू द टेम्परामेंट वो जो है वो एक डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकता है चाहे वो एक ही घर का पला हुआ है लेकिन ड्यू टू द अटेंशन स्पैन ऑफ द पेरेंट्स किसी को ज़्यादा तोज्जो किसी को कम तोज्जा भी मिलेगी तब भी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं तो ये सारी फोर्सेस जो हैं ये किसी भी शख्स को एक दूसरे शख्स से डिफरेंट कर सकती हैं जैसे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉज बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों डिटामन करती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हेरिडिटी में अगर जीन्स में आप अपने पेरेंट्स के एटीट्यूड्स लेके आए हैं एग्रेसिवनेस लेके आए हैं अपने पेरेंट्स की इंटेलिजेंस लेके आए हैं तो चूंकि इंटेलिजेंस भी डिफरेंट है आपके पास तो आपका एटीट्यूड भी डिफरेंट होगा आपकी मेंटल एक्सप्रेशन जो है वो भी डिफरेंट होगी आपकी बाकी तमाम काम जो है पोटेंशियल आपका डिफरेंट होगा और अगर आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड्स लेके आए हैं जीन्स में तो तब भी आपके लिए जो है वो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी इसकी वजह से आप दूसरे इंडिविजुअल जिसकी जीन्स में नेगेटिविटी ज़्यादा आई है तो वो भी हो सकता है डिफरेंस आ सकता है इसी तरह से घर का जो माहौल है वो आपके अंदर डिफरेंस पैदा कर तो सकता है इसी तरह से आपके दोस्त जो हैं वो आपकी सोच को डिफरेंट कर सकते हैं इसी अच्छा। तरह से बहन भाइयों में राइवलरी जो होती है वो आपके अंदर डिफरेंस पैदा कर सकती है तो बच्चे की शख्सियत का डिफरेंट होना ये पेरेंटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता अगर है अगर पेरेंटिंग डिफरेंट है और आपके पेरेंट्स डिफरेंट चीज़ें आपको सिखा रहे हैं तो एक चार साल का बच्चा और दस चार साल के बच्चे जो हैं एक ही एज में होने के बावजूद उनकी जो पर्सनैलिटीज़ है वो डिफ़रेंट होंगी और ये डिफरेंस जो है ये सारा नेचुरल है घर के अंदर भी बहन भाई सारे डिफरेंट हो सकते हैं एक पेरेंट्स की औलाद होने के बावजूद और उनकी तमाम बातें उनकी मेंटल कैपेसिटीज़ उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ उनकी फ़िज़िकल कैपैसिटीज़ एवरीथिंग कैन बी डिफरेंट दिस इज़ नेचुरल दिस इज़ नॉर्मल वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड टेकल एकॉर्डिंग टू their potentialities.